एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल द्वारा आयोजित पत्रकारिता कार्यशाला का हुआ समापन। खबरों के सिलसिले में बात करते बीकानेर से, जहां पर एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल बीकानेर के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पत्रकारिता कार्यशाला का रविवार को समापन हुआ। हम आपको बता दें, इस कार्यशाला में 45 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने कुल 9 सत्रों में पत्रकारिता के सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्षों का गहन अध्ययन किया। कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। कार्यशाला के पहले सत्र में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी भाग्यश्री गोदारा ने पत्रकारिता की अवधारणा और संबंधित कानूनी पहलुओं पर जानकारी दी। इस सत्र में वक्ता वरिष्ठ पत्रकार राजेश रतन व्यास ने प्रेस नोट और खबर की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा की। दूसरे दिन के सत्रों में अनुभवी प्रेस फोटोग्राफर दिनेश गुप्ता ने लेंस विद विजन विषय पर ज्ञानार्जन करवाया, जबकि वरिष्ठ पत्रकार नवीन शर्मा ने डिफेंस, हेल्थ और अपराध जगत की खबरों पर रिपोर्टिंग के गुण सिखाए। इसके साथ ही हरीश बी शर्मा ने पत्रकारिता में इंटरव्यू विद्या पर विस्तार से जानकारी दी। तीसरे दिन के अंतिम सत्र में वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण राघव ने टीवी रिपोर्टिंग के 24 घंटे की चुनौतियों और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पत्रकारिता में सोर्स, सुरक्षा, तथ्य और सजगता के महत्व पर भी जोर दिया। डॉक्टर ब्रज रतन जोशी ने मीडिया में हिंदी भाषा की सामान्य त्रुटियों और उनके सुधार के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही भाषा की उपायदेयता पर भी विस्तार से बताया। कार्यशाला के अंतिम सत्र में DIPR विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य ने पत्रकारिता में अखबारों, टीवी के पंजीकरण, पत्रकारों के एक्रीडेशन और न्यूज पोर्टल से संबंधित सरकारी व्यवस्था पर जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारिता की उपायदेयता पर भी विशेष व्याख्यान दिया। कार्यशाला का संचालन एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद आचार्य ने किया। इस सफल आयोजन में विनय थानवी, योगेश खत्री, राहुल मारवा, मनोज व्यास, सरजीत सिंह, राजेश रतन व्यास, अजीज भुट्टा और येतंद्र चड्डा की विशेष भूमिका रही।